हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के वेतन वृद्धि को लेकर, ठीक है, वेतन डबल करने को लेकर 2023-24 के बजट में शामिल करने के लिए मेल किया गया है, ठीक है, संतोष कहार के द्वारा बजट MP@MPGovernment.in पर, ठीक है फ्रेंड। इसमें बजट पर मेल किया गया है कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय डबल किया जाना चाहिए, ठीक है, वेतन वृद्धि किया जाना चाहिए। जो 2023-24 में बजट आने वाला है उसमें अतिथि शिक्षकों का वेतन डबल करने की मांग की। 6 जनवरी 2023 की खबर है, ठीक है, मेल किया गया है 10:53 पर। उसमें प्रति जो भेजी गई माननीय संचालक महोदय बजट वित्त सूचना प्रबंधक प्रणाली मध्य प्रदेश भोपाल को, ठीक है, अतिथि शिक्षकों का वेतन में वृद्धि एवं डबल करने को लेकर मेल किया गया है। तो मैं आपको पूरी विस्तार से सूचना दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। प्रति जो भेजी गई है श्रीवान संचालक महोदय बजट वित्त सूचना प्रबंधक प्रणाली मध्य प्रदेश भोपाल को। विषय है महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों विगत 14-15 वर्षों से पूर्ण निष्ठा लगन और ईमानदारी के साथ अपनी सेवा देने वाले अतिथि शिक्षकों को पद स्थायी व वेतन वृद्धि करने हेतु बजट 2023-24 में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके और उनके परिवार का भरण पोषण जीवन यापन सुचारू रूप से चल सके। इसी आशा के साथ आपके आदेश की प्रतीक्षा में प्रार्थी हैं संतोष कहार, ठीक है, जिलाध्यक्ष हैं। इन्हें पत्र लिखा गया है बजट विभाग को, ठीक है फ्रेंड्स, और एक मेल भी किया गया है। इसमें अतिथि शिक्षकों के वेतन वृद्धि और डबल करने को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश लिखा गया है, ताकि अतिथि शिक्षकों के वेतन में वृद्धि हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद।